हेलो दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं रिसेंटली में रिलीज हुई फिल्म ग्रिम कुटी के बारे में, जिसकी स्टोरी लाइन काफी डिफरेंट है। फिल्म के स्टार्टिंग में हम एक रूम में छोटे बच्चे को सोते हुए देखते हैं, जहां उसकी माँ कमरे में आकर उसे देखती है और फिर उसके रूम का डोर लॉक करके चली जाती है। उसके जाते ही वो बच्चा उठता है और डोर खोलने की कोशिश करता है, लेकिन डोर लॉक होने की वजह से नहीं खुलता। अब वो बच्चा अपने रूम की खिड़की से बाहर आने की कोशिश करता है। वहीं दूसरी तरफ उसकी माँ अपने डेस्क पर लैपटॉप पर किसी बारे में रिसर्च कर रही होती है, जिससे उसे पता चलता है कि बच्चों पर सोशल मीडिया और इंटरनेट का बुरा असर किस तरह से पड़ रहा है। इधर वो बच्चा अपने रूम की खिड़की से बाहर निकलकर घर की दूसरी तरफ आ जाता है और चाकू उठा लेता है। तभी हम देखते हैं कि एक बड़ी सी इविल एंटिटी उस बच्चे के पीछे पड़ जाती है। वो छोटा सा बच्चा उस इविल एंटिटी से बचकर भागता हुआ अपनी माँ के पास आता है। उसकी माँ अपने बेटे के हाथ में चाकू देखकर डर जाती है और उसे दूर रहने को कहती है, लेकिन वो बच्चा उस एंटिटी से काफी ज्यादा डर जाता है और हड़बड़ी में अपनी माँ को ही चाकू मार देता है। अगले सीन में हम आशा नाम की लड़की को देखते हैं, जो कि एक वीडियो रिकॉर्ड कर रही होती है। फिर हमें पता चलता है कि वो एक ब्लॉगर है जो कि वीडियोस बनाती है, लेकिन उसकी वीडियो को कुछ खास रीच नहीं मिलती। यहाँ हम आशा की फैमिली को भी देखते हैं, जिसमें उसकी माँ सारा, डैड आमिर और छोटा भाई कामरान है। यहाँ हम देखते हैं कि कामरान के स्कूल में कोई फंक्शन है जिसमें कामरान परफॉर्म करेगा और सब वहाँ जाने वाले हैं। यहाँ पर सभी डिसाइड करते हैं कि वो सब अपना फोन घर पर ही रख कर जाएंगे, क्योंकि आशा हर वक्त फोन में ही लगी रहेगी, जिस कारण वो कामरान की परफॉर्मेंस नहीं देख पाएंगे। फिर सभी अपने फोन घर में रख कर कामरान के स्कूल की ओर चल देते हैं। यहाँ सब लोग ऑडिटोरियम में बैठे होते हैं, लेकिन आशा को इस सब में कोई इंटरेस्ट नहीं आ रहा था और इसलिए वो अपनी एक फ्रेंड के साथ वहाँ से बाहर आ जाती है, जहाँ आशा की फ्रेंड अपना मोबाइल निकालकर आशा को बताती है कि उसके वीडियो पर एक लड़की का कमेंट आया है, जिससे आशा खुश हो जाती है। दूसरी तरफ ऑडिटोरियम में एक बच्चे का फादर आमिर से बात करने लगता है और बातों ही बातों में वो बताता है कि कैसे बच्चों पर इंटरनेट का बुरा असर पड़ रहा है और बच्चे ग्रिम कुटी नाम के गेम से इतना प्रभावित हो गए हैं कि वो अपने माँ बाप को ही चोट पहुँचा रहे हैं। यहाँ तक कि एक बच्चे ने तो अपनी माँ को इसके चलते मार भी दिया। ये सुनकर आमिर काफी ज्यादा परेशान हो जाता है, क्योंकि उसके बच्चे भी फोन और लैपटॉप का काफी ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। यहाँ आशा और उसकी फ्रेंड बात कर रही होती हैं कि वहाँ पर आमिर आ जाता है और आशा को फोन का यूज करने और ये सब वीडियोस बनाने के लिए मना करता है। इसके बाद आमिर और सारा अपने बच्चों के साथ घर आ जाते हैं। वो दोनों घर आकर अपने फोन में ग्रिम कुटी के बारे में पढ़ने लगते हैं और बहुत डर जाते हैं। इसके बाद वो दोनों आशा और कामरान को बुलाते हैं, साथ ही उन्हें समझाते हैं कि कैसे बच्चे एक चैलेंज के चलते अपने आप को और अपने माता पिता को नुकसान पहुंचा रहे हैं। इसके बाद वो अपने बच्चों से ग्रिम कुटी के बारे में भी पूछते हैं, लेकिन आशा और कामरान दोनों का कहना होता है कि वो ग्रिम कुटी के बारे में कुछ नहीं जानते। आशा उनसे ये भी कहती है कि वो दोनों अपना ध्यान रखेंगे। इसके बाद सब अपने अपने रूम में चले जाते हैं, जिसके बाद आशा अपने फोन में अपने फ्रेंड्स की स्टोरी देखती है, जिसमें सभी ग्रिम कुटी का ही जिक्र कर रहे होते हैं। जहाँ सबसे अजीब बात ये होती है कि ग्रिम कुटी के बारे में सभी बच्चे और पेरेंट्स को पता होता है, लेकिन बच्चे इस एंटिटी के बारे में कुछ नहीं जानते थे। आशा को ग्रिम कुटी जैसी चीज पर विश्वास बिल्कुल नहीं था और वो इसके बाद अपने लिए टोस्ट बनाने चली जाती है। इधर आशा की मॉम अपने पति से कहती है कि उसे अपने बच्चों पर बिलीव है कि वो कभी भी ऐसी कोई हरकत नहीं करेंगे और अपने पेरेंट्स को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। उधर किचन में जब आशा अपने लिए टोस्ट बना रही होती है, तभी उसके पीछे ग्रिम कुटी आ जाता है, जिसे देखकर आशा बहुत जोर से चिल्लाती है। ये सुनकर उसके पेरेंट्स वहाँ आ जाते हैं, लेकिन वहाँ कोई भी नहीं होता। आशा कहती है कि उसने ग्रिम कुटी को देखा है। तभी आमिर की नजर नीचे पड़े नाइफ पर जाती है, जो आशा से बटर लगाते समय नीचे गिर जाता है, लेकिन आमिर सोचता है कि आशा ने ये नाइफ खुद को चोट पहुँचाने के लिए लिया है। इसके बाद आमिर अपने घर पर पुलिस को बुलाता है, जहाँ एक ऑफिसर आशा से पूछताछ करता है, जिसके बाद आशा बताती है कि कैसे वो किचन में अपने लिए सैंडविच बना रही होती है और वहाँ पर ग्रिम कुटी आ जाता है। लेकिन पुलिस ऑफिसर आशा की बातों को सीरियस नहीं लेते और उसके माता पिता भी यही सब कहते हैं कि ये सब बच्चे एक चैलेंज के चलते ये सब कर रहे हैं और अपने आप को चोट पहुंचा रहे हैं। इस इंसिडेंट के बाद आमिर बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और वो आशा का लैपटॉप ले लेता है।
आशा अपने पिता से कहती है कि वो इंटरनेट पर किसी भी चैलेंज से इंस्पायर्ड होकर कोई भी कदम नहीं उठाएगी, लेकिन आमिर आशा की एक नहीं सुनता और लैपटॉप को अपने साथ ले जाता है। अगली सुबह आमिर सभी लोगों को बुलाता है और बताता है कि वो सभी लोग अपने फोन और लैपटॉप को एक वीक के लिए डिटॉक्स बॉक्स में रख देंगे, जिससे वो इंटरनेट पर आ रही ऐसी किसी भी उल्टी सीधी न्यूज से दूर रहेंगे। आमिर सभी के फोन और लैपटॉप को उस बॉक्स में रख देता है, लेकिन आशा अपना फोन देने से मना कर देती है और अपने डैड से फोन के लिए खींचातानी करने लगती है। लेकिन तभी आशा को ग्रिम कुटी का विजन आता है और वो उससे डरकर पीछे हट जाती है, जिसके बाद उसके डैड उसका मोबाइल भी उस बॉक्स में रख देते हैं। रात के वक्त आशा अपने भाई के रूम में जाती है, जहां वो उससे पूछती है कि अगर तुम्हारे पास कोई लैपटॉप है तो वो तुम मुझे दे दो, जिस पर कामरान इनकार कर देता है। लेकिन जब आशा उसे टांगती है तो वो अपना एक हिडन लैपटॉप आशा को दे देता है, जिसके बारे में उसके पेरेंट्स नहीं जानते। अब आशा लैपटॉप पर कई तरीकों से ग्रिम कुटी के बारे में रिसर्च करती है, लेकिन उसे कहीं कुछ नहीं मिलता। अब क्योंकि लैपटॉप घर के वाईफाई से चल रहा होता है, तो जल्द ही आमिर को इसके बारे में पता चल जाता है और वो वाईफाई का कनेक्शन निकाल देता है। लेकिन इतने पर भी आशा नहीं मानती और रात में सबके सो जाने के बाद वो एक चाकू लेकर डिटॉक्स बॉक्स को ओपन कर लेती है, जिसके बाद वो उस बॉक्स में से अपना फोन निकाल लेती है। अब आशा अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो कॉल पर ग्रिम कुटी के बारे में बात करने लगती है। इतने में आमिर आशा को ढूंढते हुए अपने रूम से बाहर आता है। ये देखकर आशा आमिर से बचने के लिए घर के बाहर आकर दूसरी तरफ से अपने रूम में जाने की कोशिश करती है कि तभी ग्रिम कुटी वहां आ जाता है और आशा के हाथ पर एक कट लगा देता है। आशा अपने आप को बचाने के लिए पास में ही रखा हुआ एक नाइफ उठाने की कोशिश करती है, लेकिन तब तक ग्रिम कुटी वहां से चला गया था और आशा के पेरेंट्स वहां आ जाते हैं। आशा को इस हाल में देखकर उसके पेरेंट्स ये मानने लगते हैं कि आशा ने ग्रिम कुटी के चैलेंज के चलते खुद को चोट पहुंचाई है। आशा अपने पेरेंट्स को बहुत समझाने की कोशिश करती है, लेकिन उसके पेरेंट्स उसकी एक नहीं सुनते। अगली सुबह आशा अपने स्कूल जाने को कहती है, लेकिन आमिर उसे रोक लेता है, पर बाद में सारा और आशा के समझाने पर वो उसे परमिशन दे देता है। आशा स्कूल आकर अपनी दोस्त कैसेंडी से मिलती है, जहां उसे पता चलता है कि कैसेंडी ने अपना फोन डिटॉक्स बॉक्स में रख दिया है। और आशा को ये थोड़ा अजीब लगता है, क्योंकि सभी के पेरेंट्स एक जैसा बिहेव कैसे कर सकते हैं। इस बात का पता लगाने के लिए आशा अपनी फ्रेंड कैसेंडी के साथ अपने एक और दोस्त ओलिवर के घर आती है, जहां उसे फोन और इंटरनेट मिल सके। लेकिन ओलिवर के घर पर अलग ही नजारा था। बच्चे अजीब सी हरकतें कर रहे थे और ग्रिम कुटी का मजाक बना रहे थे। उन्होंने इस पार्टी का नाम भी ग्रिम कुटी रखा था। पार्टी में सभी लोग पिक्चर्स क्लिक करते हैं और उसी वक्त आशा का पिक भी उसमें आ जाता है। आशा और कैसेंडी जल्द ही ओलिवर से उसका लैपटॉप लेकर अलग रूम में आ जाते हैं और ग्रिम कुटी और डिटॉक्स बॉक्स के बारे में रिसर्च करने लगते हैं, जहां उन्हें जॉन्स नाम की औरत के बारे में पता चलता है। आशा अपने भाई कामरान को वीडियो कॉल करके मेलिंडा जॉन्स के बारे में रिसर्च करने को कहती है। इधर आशा के पेरेंट्स अपने फोन में ग्रिम कुटी पार्टी के पोस्ट देखते हैं, जिसमें उन्हें आशा नजर आती है, जिसके बाद आमिर फौरन आशा को लेने पहुंच जाता है। उधर आशा पार्टी से बाहर निकलती है, तभी उसे ग्रिम कुटी नजर आता है, जो उसके अलावा किसी को भी नहीं दिखाई देता। आशा उससे बचकर ऊपर की तरफ भागती है, जहां ग्रिम कुटी भी उसका पीछा करते हुए हर्ट करने लगता है। लेकिन जल्द ही आशा के पेरेंट्स वहां पहुंच जाते हैं और देखते हैं कि आशा अपने ही हाथों को चाकू से खुद को काट रही है। आमिर किसी तरह अपनी बेटी को बचा लेता है। फिर सारा और आमिर आशा को लेकर बाहर आते हैं, जिसे देखकर पार्टी में मौजूद सभी बच्चे काफी डर जाते हैं। आशा अपने पेरेंट्स को कहती है कि वहाँ ग्रिम कुटी था, आपने देखा उसे? लेकिन उसके पेरेंट्स ने वहाँ किसी को नहीं देखा था, इसलिए वो उसकी बातों का विश्वास नहीं करते। तभी आमिर के फोन में एक नोटिफिकेशन आता है, जिससे उसे पता लग जाता है कि घर का वाईफाई यूज हो रहा है, यानी कामरान लैपटॉप का यूज कर रहा है। अब आमिर वहां से सीधा घर की तरफ भागता है। इधर कामरान मेलिंडा जोन्स का एड्रेस निकालता है, तभी वहां पर ग्रिम कुटी आकर उसे चोट पहुंचा देता है। आशा के पेरेंट्स जब घर पहुंचते हैं तो कामरान को इस हाल में देखकर काफी ज्यादा दुखी हो जाते हैं, साथ ही आशा को इस सब का जिम्मेदार ठहराते हैं। अगली सुबह आशा और कामरान एक हॉस्पिटल में एडमिट थे। आशा अपनी माँ को समझाती है कि ग्रिम कुटी सच में है और उसी ने ये सब किया है, लेकिन सारा को उसकी बात पर बिल्कुल यकीन नहीं था। इसके बाद सारा उसके वार्ड से बाहर आ जाती है, तभी आशा की नजर वहीं रखे कामरान के लैपटॉप पर जाती है, जिसके बाद वो उसमें से मेलिंडा जॉन्स का एड्रेस निकाल लेती है। आशा रेडी होकर अपनी मॉम की कार कीज ले लेती है और वार्ड से बाहर निकलती है, तभी उसे कैसेंडी के माता पिता वहां पर दिखते हैं।
आशा तुरंत ही कैसेंडी के वार्ड में जाकर सारी बात पूछती है, जिस पर कैसेंडी भी सेम स्टोरी बताती है कि कैसे ग्रिम कुटी ने उसे भी चोट पहुंचाई, लेकिन उसके माता पिता को इस बात का विश्वास नहीं होता। तब आशा बताती है कि ग्रिम कुटी बच्चों पर तभी हमला करता है जब उसके पेरेंट्स ग्रिम कुटी के बारे में सोचकर अपने बच्चों के लिए परेशान हों। आशा कहती है कि वो इस सब की वजह पता करने के लिए मेलिंडा के घर जाएगी। दूसरी तरफ वार्ड में सारा आशा को ना पाकर बहुत परेशान हो जाती है कि तभी उसे लैपटॉप में वही एड्रेस मिलता है, जिसके बाद वो भी उस पते पर पहुंचने के लिए निकल जाती है। दूसरी तरफ आशा मेलिंडा के घर पहुंचकर उससे ग्रिम कुटी के बारे में पूछती है, लेकिन मेलिंडा कहती है कि इस बारे में मुझे कुछ नहीं पता। आशा मेलिंडा से उसके बेटे से मिलने को कहती है, लेकिन मेलिंडा बहाना बनाकर गेट बंद कर देती है। आशा को अब भी डाउट था, इसलिए वो घर के पिछले हिस्से में आती है जहां उसे ब्रोकन फोन और लैपटॉप मिलता है, जिसके बाद उसे सब समझ आ जाता है। अब आशा पिछले डोर से उस घर में एंटर होती है और उस बच्चे तक पहुंच जाती है। अभी वो बात कर ही रहे होते हैं कि मेलिंडा वहां लेकर आ जाती है और दोनों को रूम में बंद कर देती है। अब तक आशा की माँ भी वहाँ पहुँच चुकी थी। वो मेलिंडा से पूछताछ करती है, लेकिन मेलिंडा बताती है कि उसकी बेटी का मानसिक संतुलन ठीक नहीं है। सारा आशा को एक जोरदार थप्पड़ मारती है और फिर अपने साथ ले जाने लगती है, क्योंकि सारा आशा के लिए परेशान थी, इसलिए अब ग्रिम कुटी आशा के पीछे आता है। लेकिन आशा जल्द ही अपनी माँ का ध्यान भटका देती है, तभी ग्रिम कुटी भी गायब हो जाता है। अब सारा वापस मेलिंडा के घर आती है, लेकिन मेलिंडा अब बहाने बनाने लगती है जैसे उसने कुछ किया ही नहीं। लेकिन तभी सारा उसके घर से आ रही आवाजों को सुन लेती है और ऊपर की तरफ भागती है। वो रूम का गेट खोलती है जहां वो उस बच्चे को हवा में लटकते हुए देखती है। ग्रिम कुटी ने उसे पकड़ रखा था, लेकिन सारा उसे नहीं देख सकती थी। तब सारा को यकीन होता है कि ग्रिम कुटी सच में है। इतने में मेलिंडा पीछे से आकर सारा को गन पॉइंट पर ले लेती है, लेकिन जल्द ही उन लोगों में हाथापाई होने लगती है, जिस कारण मेलिंडा का ध्यान अपने बच्चे से हट जाता है और ग्रिम कुटी वहां से गायब हो जाता है। वो बच्चा ग्रिम कुटी से छूटते ही अपनी माँ के पैर में चाकू मार देता है, जिस कारण वे सीढ़ियों से नीचे गिर जाती है। इसके बाद सारा और आशा इस बच्चे को अपने साथ ले आते हैं। उधर जब आमिर कामरान के लैपटॉप में ग्रिम कुटी की सर्च हिस्ट्री देखता है तो उसके लिए वो परेशान होने लगता है। सारा और आशा उस बच्चे को लेकर हॉस्पिटल पहुंचते हैं, जहां अब तक सारे बच्चे ग्रिम कुटी के कारण इंजर्ड हो चुके थे। सारा अपने पति आमिर के पास आकर उसे समझाती है कि वो ग्रिम कुटी के बारे में ना सोचे और ये बेहोशी का इंजेक्शन ले ले। आमिर को कुछ समझ नहीं आता कि उसकी पत्नी ऐसा बर्ताव क्यों कर रही है। तभी वहाँ पर पुलिस आकर सारा को पूछताछ के लिए ले जाती है। इसी बीच कामरान आशा के पास आता है और उससे कहता है कि उसने अभी अभी ग्रिम कुटी को देखा, जिसके बाद आशा उसे बताती है कि ग्रिम कुटी तभी अटैक करता है जब उन बच्चों के माँ बाप उस बारे में ज्यादा सोच रहे हों। आशा कामरान को एक रूम में बंद करके बाहर आती है, जिधर वो अपने डैड को देखती है। वहाँ ग्रिम कुटी कामरान को हर्ट करने लगता है, क्योंकि इसके डैड ग्रिम कुटी के बारे में ही सोच रहे थे। आशा अपने डैड को कहती है कि वो ग्रिम कुटी के बारे में ना सोचें, नहीं तो वो हमें ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन आमिर का ध्यान कामरान से नहीं हटता, जिसके बाद आशा अपने डैड का ध्यान भटकाने के लिए हॉस्पिटल के बाहर भागती है और अब आमिर का ध्यान आशा की ओर चला जाता है। अब ग्रिम कुटी आशा को पकड़ लेता है। आशा उसे चाकू से स्टैब करती है, लेकिन ग्रिम कुटी पर उसका कोई असर नहीं होता। तभी आमिर वहां आ जाता है और आशा अपने डैड के पैर में ही स्टैब कर देती है, लेकिन आमिर आशा के पीछे भागना जारी रखता है। साथ ही ग्रिम कुटी भी आशा के पीछे पड़ जाता है। ग्रिम कुटी आशा को हवा में ऊपर लटका देता है, जिसे देखकर आमिर को सारी बात समझ आती है और वो अपने हाथ में लिया हुआ इंजेक्शन खुद को लगा लेता है। आमिर के बेहोश होते ही ग्रिम कुटी वहां से गायब हो जाता है। इसके बाद आमिर को हॉस्पिटलाइज कराया जाता है और अब सब कुछ बिल्कुल ठीक हो जाता है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, इस मूवी में बेसिकली ग्रिम कुटी नाम की एक इविल एंटिटी होती है जो उन बच्चों को टारगेट कर रहा था जिसके माता पिता ग्रिम कुटी के बारे में सोचकर अपने बच्चों के लिए परेशान होते हैं। यही कारण था कि बच्चे अपने माँ बाप को भी नुकसान पहुंचा रहे थे। तो दोस्तों, ये थी इस फिल्म की पूरी कहानी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, साथ ही कमेंट करके आप हमें अपनी थ्योरी भी बता सकते हो। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।